हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। आप सभी का स्वागत है वॉइस टाउन की एक और धमाकेदार और मजेदार वीडियो में। ओ, ये देखो गाइज, मैं तो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कार की सवारी कर रहा हूँ। अरे लेकिन एक मिनट यार, मैं तो भूल ही गया, मैं तो आर्टिका के पास में अपने पैसे लेने के लिए जा रहा था। अरे भाई, गाड़ी को थोड़ा स्लो कर दो, मेरे को नीचे उतरना है। अरे नहीं करूंगा, मेरी गाड़ी पे फ्री की सवारी कर रहा था ना भुगत। अच्छा तो तू गाड़ी नहीं रुकेगा तो गाइज अभी मेरे को जंप लगानी होगी और ये दम लगा के है ईशा। और अभी मैंने जंप तो लगा दिए तो गाइज अभी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ आर्टिका के पास में। अरे आर्टिका चलो मेरे पैसे दो, जो तुमने 2 करोड़ का मुझसे मिशन कराया था वो मुझे दे दो। अरे भाई कौन हो तुम और कौन से 2 करोड़ रुपए मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई, मैं रोफीरो हूँ जिसने तुम्हारे 2 मिशन कंप्लीट किए थे। अरे मैं किसी रोफीरो को नहीं जानती। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, ये ले। ये देखो गाइज, मैंने इस आर्टिका को उड़ा दिया और यहाँ पर कुछ पैसे पड़े हैं। तेरी की ये तो सिर्फ 5 रुपए हैं, अभी मैं इनका क्या करूंगा, चलो चल के चीज ही खा लूंगा। और फाइनली गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ टिप्सन दादा के घर पे, तो चलो अभी टिप्सन दादा के पास चलते हैं। हेलो टिप्सन दादा, कैसे हो? अरे छोटे मैं तो बढ़िया, लेकिन तू मेरी छत के ऊपर से छलांग मार के कैसे आ रहा है? अरे टिप्सन दादा ये रोफीरो का स्टाइल है। अरे अभी मुझे जल्दी से रोफीरो को चल के खबर बतानी पड़ेगी, लेकिन ये क्या इस एम्बुलेंस वाले ने तो मेरे को टक्कर मार दी। अरे तेरी तो रुक जा, तेरे को अभी बताता हूँ, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को टक्कर मारी। अरे सुपर हीरो, यू आर अंडर अरेस्ट, तुमने एक बंदे को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं यार, ये पुलिस कहाँ से आ गई, भागो जल्दी से यहाँ से। और ये देखो यार, अभी तो मैं जान बचा के आ चुका हूँ टिप्सन दादा के पास, और ये देखो रोफीरो भी यहीं पर खड़ा है। रोफीरो लॉस सेंटोस से एक तगड़ी खबर हाथ लगी है, थेनोस वाइस टाउन पर अटैक करने के लिए कोई बड़ा प्लान बना रहा है। अरे क्या कहा, थेनोस वाइस टाउन पर अटैक करने के लिए नया प्लान बना रहा है? अरे टिप्सन दादा, उसके प्लान के बारे में हमको जल्दी से मालूम करना होगा, अगर देर की तो गड़बड़ हो जाएगी। टिप्सन दादा जल्दी से अपना एंटीना निकालो। अरे हाँ छोटे, लेकिन मेरे पास एक ही एंटीना है, उससे हम लोग थोड़ी देर ही देख पाएंगे। अरे टिप्सन दादा निकालो तो सही। अरे हाँ छोटे, ये ले निकाल दिया। अरे देखो गाइस, ये तो समुद्र के किनारे पर बैठा है, पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ओगड़म बगड़म तिगड़म छू छुड़म छुड़म चम छुड़म छुम ओगड़म बगड़म तिगड़म तू। अरे छोटे मुझे तो लगता है ये कोई ना कोई काला जादू कर रहा है। अरे मुझे लगता है किसी ने रोबोटिक हल को याद किया है, अभी रोबोटिक हल, चलो हमको किसी की मदद करनी चाहिए। अरे यार टिप्सन दादा, ये क्या, ये रोबोटिक हल कहाँ से आ गया और ये क्या करने वाला है? अरे क्या पता छोटे क्या होने वाला है, वो तो आगे देखने पर ही पता लगेगा। अरे पता नहीं अब की बार मेरा मालिक कौन है, चलो चलकर देखते हैं आखिर किसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। अरे ये क्या, ये तो थेनोस जी है। अरे गॉड थेनोस जी, आपने मुझे कैसे याद किया, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो जरूर करूँगा। अरे रुक जाओ रोबोटिक हल, कभी मुझे तुम्हारे साथ ही कभी बुलाने दो। इगड़म बिगड़म तक दिना दिन, इगड़म बिगड़म तक दिना दिन। अरे टिप्सन दादा लगता है ये यहाँ पर किसी और को भी बुलाने वाला है। अरे आपने डेंजरस हल्क को बुलाया और डेंजरस हल्क चलाया, बोलो किसको खाना है? तो थेनोस जी आपने मुझे बुलाया है, चलिए बताइए आपका मेरे लिए क्या हुक्म है। आप कहो तो मैं इस पूरे लॉस सेंटर उसको खा जाऊं, वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे लॉस सेंटोस को तो खाना ही है, साथ में तुम्हें वाइस टाउन को भी खाना होगा। अभी मैं तुम दोनों को ऑर्डर देता हूँ, तुम लोग कुछ भी करके मेरे दुश्मन रोफीरो को यहाँ पर पकड़ के लाओ। तब तक मैं यहीं पर बैठकर अपनी काली शक्तियों का ध्यान लगाता हूँ और अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके बॉस, जैसा आपका ऑर्डर, अभी देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अबे चिरकुट तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हट जा, मैं सबको मार डालूंगा। आखिर कौन है मेरे बॉस का दुश्मन रोफीरो, अगर एक बार हाथ लग जाए तो उसका कचुम्बर बना के यहीं पर खा जाऊं। आज तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अरे डेंजरस हल्क तो चला गया, अभी रोबोटिक हल्क तुम्हारा काम है, चलो अभी हमको डेंजरस हल्क से पहले उसे ढूंढ कर लाना होगा यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, मैं देखता हूँ कि वो रोफीरो कब तक छुप कर बैठा रहता है। अरे ओ लॉस सेंटोस के लोगों, बताओ रोफीरो कहाँ पर मिलेगा? अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये लोग नहीं बताते रोफीरो कहाँ पर है, कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, एक एक को मार डालूंगा। अरे वो रोफीरो सामने नहीं आ रहा, लगता है इसको थोड़ी सी तबाही मचा कर दिखाना होगा। और अभी मैं इस गैस स्टेशन को यहाँ पर ब्लास्ट करने जा रहा हूँ। रोफीरो कहाँ पर छुप के बैठा है, आजा वरना सबको मार डालूंगा मैं। अभी मुझे लगता है मुझे वाइस टाउन में जाकर भी ये तबाही मचानी होगी, तो चलो वाइस टाउन चलते हैं। अरे टिप्सन ये सब एकदम से बंद कैसे हो गया? अरे छोटे मैंने बोला था ना मेरे पास एक ही एंटीना है, इसलिए मेरा एंटीना खत्म हो गया। तो गाइस अभी थेनोस तो अपनी टीम के साथ वाइस टाउन पर अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग फटाफट से आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ यार, नीचे जो रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लो। और कमेंट करके जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।